गोरखपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन शुरू हो गया है। महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, लोकप्रिय विधायक श्री फतेहबहादुर सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर बिंदेश पासवान जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री ध्रुवचंद त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव जी, कैंपियरगंज के ब्लॉक प्रमुख अश्विनी जायसवाल जी, गंगा जायसवाल जी, अपर मुख्य सचिव खेलपुर नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव खेलपुर निदेशक खेलपुर श्री आर पी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय के प्राचार्य समेत सभी अधिकारीगण, इस क्षेत्र के सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्तागण श्री महेंद्र मिश्र जी, मृत्युंजय सिंह जी, मक्सूदन मिश्र जी, पूर्व प्रमुख गोरख सिंह जी, विजय शंकर यादव जी और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। जगत जननी माँ भगवती आप सब पर उनकी कृपा बनी रहे, इसकी प्रार्थना करते हुए जंगल कोड़िया विकास खंड का और गोरखपुर का पहला ग्रामीण स्टेडियम को लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को, महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं एक वर्ष पहले पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की स्मृति में इस महाविद्यालय का लोकार्पण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया और एक वर्ष के अंदर ही इस महाविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी हुई है, 1400 बच्चे वर्तमान में इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। महाविद्यालय की एक प्रगति दिखाती है। मैं भी यहाँ महाविद्यालय के स्टेडियम के पेवेलियन में जो बालिकाएं पढ़ रही थी मैं देख रहा था, मोहरीपुर से लेकर के मिर्चाई टोला से लेकर के और कैंपियरगंज तक की बच्चियां यहाँ पढ़ रही थी। इतनी बड़ी संख्या में पूरे जंगल कौड़िया ब्लॉक से, चरगावा ब्लॉक से, गोरखपुर महानगर से, कैंपियरगंज विकासखंड से और कुछ महाराजगंज से भी बालिकाएं यहाँ पढ़ रही हैं, बालक भी पढ़ रहे हैं। एक शिक्षण संस्थान, अच्छा संस्थान खड़ा होने का लाभ क्या मिलता है, वह आज महंत अवैद्यनाथ महाविद्यालय के माध्यम से यहाँ पर चल रही शिक्षण प्रशिक्षण की गतिविधियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। मैं इसके लिए महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ और महाविद्यालय ने एक वर्ष में जो प्रगति की है यह प्रगति निरंतर बनी रहे, इसके लिए एक वर्ष के बाद पुनः मैं यहाँ पर आया हूँ। स्टेडियम का लोकार्पण, यहाँ के नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण करते हुए महाविद्यालय की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी हम योगदान दे पाएंगे, इसके लिए आश्वस्त करने के लिए मैं महाविद्यालय इस प्रांगण में आज आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। भाइयों बहनों, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को दे रही है और इसीलिए हर महीने किसी एक कार्यक्रम को लेकर के डबल इंजन की सरकार आती है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है और जो 17 सितंबर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के कल 25 सितंबर थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन और 2 अक्टूबर
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। 15 दिन का ये जो कार्यक्रम है, इस सेवा पखवाड़े के क्रम में आज दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण का कार्यक्रम भी है। और आज यहाँ पर मुझे 700 ऐसे दिव्यांग जन से संबंधित उपकरणों को वितरण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है, जिसमें 100 मोटराइज ट्राइसाइकिल है, 50 ट्राइसाइकिल है, 50 व्हील चेयर है, 200 स्मार्ट केन है, 100 कान की मशीन है, 50 एमआर किट है, 50 लेप्रोसी किट है, 100 विभिन्न प्रकार के अंग यथा पैर कैलिपर्स आदि दिव्यांग जन में आज यहाँ पर वितरित किए गए हैं। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और उन जैसे महापुरुषों की जिनकी सोच देश के बारे में थी, जिनकी सोच गांव गरीब किसान नौजवान महिलाएं और समाज के प्रत्येक नागरिक के बारे में थी, उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन जिया। और भाइयों बहनों, मात अवेदनाथ महाविद्यालय एक ऐसे स्थल पर है जहां पर 5 बार जहां से सांसद के रूप विधायक के रूप में पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी ने यहाँ की जनता जनार्दन का की सेवा की, उनका मार्गदर्शन किया और 4 बार यहाँ की जनता जनार्दन ने उन्हें सांसद के रूप में चुन करके निरंतर उनका आशीर्वाद देती रही। ये महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण कर रहा है और इसलिए शिक्षा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें शिक्षा के साथ साथ उन तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। खेल आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक नया हिस्सा है। वैश्विक मंच पर देश की सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है हमारा खिलाड़ी, नेशनल मंच पर प्रदेश के सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है हमारा खिलाड़ी। और इसीलिए प्रदेश की सरकार ने तय किया कि हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो, खेलकूद की सुविधाएं बढ़े, स्पोर्ट्स हॉस्टल बने, अच्छे कोचेज को हम उसके साथ जोड़े और राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में खिलाड़ियों के योगदान को भी हम इसके साथ जोड़ सकें, इस कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वयं जंगल कोडिया के सरसुलपुर चकिया गांव में आपके बीच में आया हूं, जहां पर इस महाविद्यालय में शारदीय नवरात्रि की पहली तिथि आज जगत जननी माँ भगवती की उपासना का क्रम शुरू होता है और माँ दुर्गा के जो 9 रूपों की पूजा होती है, पहला रूप शैलपुत्री के रूप में जगत जननी माँ भगवती की पूजा प्रत्येक सनातन हिंदू धर्मावलंबी करेगा, उन स्थितियों में अपने सामर्थ्य और अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए एक अच्छा स्टेडियम भी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए कैंपियरगंज विधानसभा के सभी भाइयों बहनों को, जंगल कोडिया विकास खंड से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को और इस महाविद्यालय से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो सुविधा आपको प्राप्त हो रही है इसका हमें लाभ भी लेना चाहिए। यहाँ पर जो ट्रैक बनाया गया है उसकी हॉल बनाया गया है, टेबल टेनिस के लिए भी जो प्रेक्षा गृह बनाया गया है, अन्य आउटडोर और इंडोर गेम्स, इन सब के लिए उस प्रकार का मंच दिया गया है। मैं उच्च शिक्षा विभाग से कहूंगा कि उस प्रकार के कोचेज और यहाँ से जुड़े बच्चों में उसकी अभिरुचि पैदा हो और अच्छा होना चाहिए कि विधानसभा स्तर पर जो विधायक खेलकूद प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही है उसका फाइनल अगर यहाँ पर विधानसभा स्तर का फाइनल के कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो, विभिन्न गांव न्याय पंचायत और फिर विकास खंड स्तर और नगर पंचायत स्तर की जो टीमें निकलेंगी उनकी परस्पर प्रतिस्पर्धा का कार्यक्रम यहाँ पर हो तो अच्छा होगा, जिससे खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
आज भारत दुनिया के मंच पर अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। हमें नए भारत के साथ अपने आप को ले जाना पड़ेगा और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए ही हम अपने युवाओं को पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर हमको स्मार्टफोन भी वितरित किए हैं दिव्यांगजनों को। स्मार्टफोन में बच्चे बीए के हैं, बीएससी के हैं, एमए, बीकॉम के हैं और अन्य तमाम टेक्निकल कोर्सेज के साथ वे बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको स्मार्टफोन के साथ जोड़ने का काम हुआ है। राज्य सरकार ने तय किया है कि राज्य के अंदर हम लोग प्रदेश के सभी युवाओं को जो स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देने का काम करेंगे और 2 करोड़ युवाओं को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन देने के कार्यक्रम इस स्तर पर चल रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े, अभ्युदय कोचिंग की सुविधा हम लोग यहीं पर उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य भी कर रहे हैं। अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को मेडिकल की हो या इंजीनियरिंग की, यूपीएससी की तैयारी हो या फिर एनडीए या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए उसे फिजिकली भी और वर्चुअली भी इस प्रकार की सुविधा हमें उपलब्ध करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और मैं महाविद्यालय के प्राचार्य जी से भी कहूंगा कार्य होना चाहिए कि कम से कम अगर महाविद्यालय के समय के बाद आसपास के क्षेत्र के बच्चों के लिए हम लोग यहां पर फिजिकली और वर्चुअली अभ्युदय क्लासेस भी अपने तो प्रारंभ करा सके तो हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बीए बीएससी बीकॉम के सेकंड ईयर के बच्चे यहां पर होंगे, अभी से तैयारी करेंगे, थर्ड ईयर में जाने पर फाइनल ईयर में जाने पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जब ये फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो आसानी से यहां पर जैसे पाठ्यक्रम इनका समाप्त होगा तो पाठ्यक्रम संपन्न होने के साथ ही डिग्री मिलने के साथ ही इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी नौकरी में या किसी न किसी क्षेत्र में इनका समायोजन होगा और इसलिए इसके लिए कैरियर काउंसलिंग का भी एक प्लेसमेंट का सेल भी महाविद्यालय स्तर पर स्थापित करके उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इस समय बदल चुका है, हमें समय के अनुरूप चलना होगा और इसके लिए जो यहां पर विकास खंड स्तर पर मुझे याद है कि नाग पंचमी के अवसर पर यहां कुश्ती होती है, जंगल कोडिया में बहुत अच्छी कुश्ती होती है, तो नाग पंचमी के अवसर पर जो कुश्ती की प्रतियोगिता हो उसको महाविद्यालय ऑर्गेनाइज कराए और महाविद्यालय के स्तर पर लोकल पहलवानों को गांव गांव में न्याय पंचायत स्तर पर 3 दिन का कार्यक्रम चले, यहां की मैट का उपयोग करें और महाविद्यालय के स्तर पर इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, पूर्व प्रमुख, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के अगर एक कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा तो खेल कूद की प्रतियोगिताओं के साथ आम जनता जुड़ाव भी महाविद्यालय के साथ होगा। महाविद्यालय के लिए रसूलपुर चकिया गांव ने यहाँ पे लगभग 10 एकड़ खेती दी थी, 10 एकड़ जमीन दी है। मैं रसूलपुर चकिया के सभी ग्रामवासियों का, वहां के ग्राम प्रधान का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में इतना अच्छा महाविद्यालय निर्माण करने के लिए और बच्चों के भविष्य को बनाए रखने के लिए इतना अच्छा केंद्र यहां पर दिया है और एक महाविद्यालय यहां पर आज इस क्षेत्र के बच्चों को उत्तम शिक्षा, खेलकूद की प्रतियोगिताओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी उत्तम मंच प्रदान कर रहा है। आज हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अपने आप को ढालना होगा और उसके अनुरूप महाविद्यालय स्तर पर भी वह प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़नी चाहिए। हमें नए दौर के साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा।
समय के अनुरूप आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा और जिस भी फील्ड में उसकी रुचि है उसके अनुरूप वातावरण और उस प्रकार के कार्यक्रमों को ला करके उसके लिए एक नया मंच देना पड़ेगा। आज भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, पहली बार लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति है तो देश और दुनिया का हर निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए इच्छुक दिखाई देता है। ये निवेश हमारे लिए प्रदेश के अंदर ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार का सृजन और नौजवानों के उज्जवल भविष्य का एक माध्यम बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आज से 8 साल पहले 7 साल पहले क्या स्थिति थी, एक वीरानी सी थी, जो उद्योग थे वे भी बंद हो रहे थे, लेकिन विगत 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज गोरखपुर में सायकाल आप देखेंगे फर्टिलाइजर की लाइट जगमगा की भी आपको दिखाई देती होगी और गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना नए भविष्य को हमारे युवाओं का ध्यान आकर्षित करता है। गोरखपुर में बन चुका है, जंगल तोड़िया से लेकर के सहजनमा के बीच बना बाईपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक नया मॉडल है। गोरखपुर महानगर से लेकर के सुमानी तक 4 लेन की बन रही है सड़क अब 6 लेन में बदल रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल दे रहा है। गांव-गांव की सड़कें, मुझे याद है जब 1993-94 में इस तब मैं उस समय देखता था सड़कें नहीं थी, गांव-गांव में कच्ची सड़कें थी, बरसात के समय जीप नहीं चल पाती थी, गाड़ी नहीं चल पाती थी, ट्रैक्टर से खिंचवाना पड़ता था। आज मैं देख रहा था गांव-गांव में 2 लेन की सड़कें बन रही है, पक्की सड़कें बन रही है, आवागमन आसान हुआ है, लोगों के लिए और भी सुविधाजनक स्थिति बनी है, अच्छे केंद्र विकसित हो रहे हैं। ये सभी पूरे प्रदेश के अंदर विकास की एक नई कहानी को कहता है। जैसे गोरखपुर में रामगढ़ ताल आज विकास के एक नया मॉडल के रूप में विकसित हो रहा है, हमारे आसपास के ताल है, अमृत सरोवर की एक नई परिकल्पना प्रधानमंत्री जी ने की, जिला पंचायत के माध्यम से, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से मनरेगा के अतिरिक्त धनराशि लेकर के अन्य धनराशि को सीएसआर से भी मान करके हमें रामगढ़ ताल की तर्ज पर आपको इस क्षेत्र में इन तालाबों के विकास और जल संरक्षण के नए केंद्र के रूप में विकसित करना होगा। ये तालाब बनेंगे तो जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन जी अपनी फिल्म की टीम को लेकर के वहां पे शूटिंग करवाते हैं, ऐसे ही फतेह बहादुर जी भी और ब्रजेश यादव भी यहाँ पर फिल्म की टीम लेकर के शूटिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो गोरखपुर में भी बच्चों को वो मौके मिले कि वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सके, इसके लिए स्टेडियम और सभागार के लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।